इस प्रकृति का इंसान के लिए दिया हुआ इस धरती पर बहुत कुछ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नील नदियाँ, सुंदर सुंदर घाटियाँ और भी बहुत कुछ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रकृति का दिया हुआ है, लेकिन जो इंसान ने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत है। चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतें हों, चाहे रॉक गार्डन पार्क हों, चाहे सुंदर सुंदर झीलें हों, इंसान ने भी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमारे शहर इलाहाबाद में बना हुआ एक पार्क की वीडियो दिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार पार्क है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया ऐसी वीडियो देखने के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट और दिखाते हैं हमारे शहर इलाहाबाद में बने हुए पार्क का शानदार व्यू। तो ये है ताऊ देवीलाल पार्क, जो कि शहर इलाहाबाद में स्थित है। ये एक बहुत ही शानदार पार्क है। अगर हम इलाहाबाद शहर की बात करें तो ये हरियाणा राज्य का जिला सिरसा में बसा हुआ बहुत ही शानदार शहर है, जो कि सिरसा से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विकास के मामले में इलाहाबाद शहर बहुत ही अच्छा माना जाता है। इलाहाबाद शहर जो कि राजस्थान की सीमा के निकट ही पड़ता है, जो कि राजस्थान की दूरी है यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तहसील की उपाधि रखने वाला ये शहर अपने आप में बहुत ही खास शहर है, क्योंकि इस शहर में भी दूसरे शहरों की तरह बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण किया हुआ है। तो उन्हीं में से एक है ताऊ देवीलाल नगर पालिका पार्क, जो कि इलाहाबाद शहर के रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल ही नजदीक बना हुआ है। यह पार्क दूसरे पार्कों की तरह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर पार्क है, जो कि इस पार्क में बच्चों के सभी तरह के झूले हैं और सभी यहाँ पर हर दिन यहाँ पर बच्चों की और बड़ों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। इलाहाबाद शहर के अलावा आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही आते हैं और इस पार्क को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में इस पार्क का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो ये इलाहाबाद पार्क पर बनी हुई वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि आने वाले समय में वीडियो हम और भी अच्छी बना सकें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।